अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल पंजाब यूनिवर्सिटी में BA BSc ADP पार्ट वन का पाक स्टडी का जो है वो पेपर है और उसी के हवाले से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। पूरा साल किताब नहीं खोली है, जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लें, कल वाला पेपर इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही ज़बरदस्त अटैम्प्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी जिनके भी पेपर हैं वो इन सवालों को तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो तकरीबन सेम होता है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाले गेस्ट पेपर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं PDF फाइल पर आ चुका हूँ जो मैंने तैयार की है। मतलब पाकिस्तान के अहम तरीन सवाल हैं, 1973 के आयन के इस्लामी दफात बयान करने, तनकीदी जायजा लेना है। बरसगीर के मुसलमानों के लिए तहरीक अलीगढ़ की खिदमात का जायजा लेना है। नजरिया पाकिस्तान कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के खुतबात की रोशनी में जो है वो इसको बयान करना है। इस्लामी ममालिक की तंजीम और पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक की तंजीम में किरदार, अब ये इस्लामिक ममालिक की तंजीम क्या है, मैं कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं, OIC की बात हो रही है, ठीक है, वो कौन सी होती है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, जो तमाम इस्लामी ममालिक के लिए होती है और इनके इश्यूज को रिसॉल्व करती है, ठीक है। पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों के हकूक बयान करने, कांग्रेसी वजारतें 1937 से 1939, अब इसमें 1938 भी शामिल है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करारदादे दौर 1940, तहरीक खिलाफत और तहरीक अलीगढ़ को आपने तैयार करना है। पाकिस्तान में संती तरक्की जो भी मसाइल हल हैं वो तैयार करने हैं। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किल उनको बयान करना है। पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए की जाने वाली कोशिशें, ठीक है, वो बयान करना है। शाह वली अल्लाह और शेख अहमद सरहंदी, इसको आपने बयान करना है। शाह वली अल्लाह, अच्छा, अब इसमें शाह जो पहला क्वेश्चन है शाह वली और शेख अहमद सरहंदी है वो अलग है, शाह वली और उनके तहरीक पर नोट लेंगे, ये अलग से शाह वली अल्लाह पर ही आ सकता है, ओके। उसके बाद पाकिस्तान में ज़राअत के मसाइल उनका हल बयान कीजिए। दो कौमी नज़रिया पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खुतबात बयानात की रोशनी में तफसीली नोट लिखना है। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के इलाका यमन के लिए बहुत ज़रूरी है, तबसरा कीजिए कैसे, ठीक है। तो ये तमाम तर चंद सवालात हैं, ज़्यादा नहीं है, ये चंद सवालात हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, कल वाला पेपर आपका बहुत ज़बरदस्त 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम फ्यूचर में आने वाले मज़मून के गेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।